यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज जो आपका टॉपिक है पिक्चर, कलिपार्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, हेडर एंड फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, फिल टॉपिक, वर्ड आर्ट टॉपिक, ड्रॉप कैप टॉपिक, डेट एंड टाइम टॉपिक, ऑब्जेक्ट एंड सिंबल टॉपिक, ये जो टॉपिक हम आपको आज कराएंगे। हमने एमएस वर्ड ओपन कर लिया। एमएस वर्ड में आप इंसर्ट मेन्यू में आ जाइए। पहला पिक्चर, आप पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप पिक्चर पे जाइए, सैंपल पिक्चर पे आप क्लिक कर दीजिए। एनी कोई भी आप पिक्चर इसके द्वारा ले सकते हैं। इंसर्ट कर दीजिए। पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आप ये जो आपकी पिक्चर स्क्रीन पे आ चुकी है पेज पे, इसका आप साइज छोटा कर लीजिए। जो बाहर आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो पिक्चर का साइज है वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो है मेन्यू बार में फॉर्मेट ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। फॉर्मेट ऑप्शन हाईलाइट होने के बाद इसमें जैसे ही पहला टॉपिक है ब्राइटनेस, पिक्चर की जो ब्राइटनेस है वो आपको सेट करनी है, कितनी परसेंट आए। ये देखिए 40% ऐसे दिखाई देगा, 30% प्लस में ऐसे दिखाई देगी, 20% 10% ये है जो आपका ब्राइटनेस का टॉपिक, माइनस में आपको ज़्यादा ब्राइटनेस डायरेक्ट दिखाई देगी। ये भी जो नीचे है ये भी ब्राइटनेस का ही ऑप्शन है, ब्लैक एंड व्हाइट आपको शो करेगा कितने परसेंट आपको शो करना है प्लस में माइनस में, 10% 20% आप ऐसे इसको कर सकते हैं पिक्चर को। अगला टॉपिक है इसी के अंदर रीकलर। रीकलर में क्या है, जैसा हम चाहेंगे वैसा कलर इसके अंदर डलेगा पिक्चर के अंदर। ये रीकलर है सभी, ये देखिए वैसा ही कलर पिक्चर का शो हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक है रीकलर, वापिस वैसा कर दीजिए जैसा पहला है। कंपेयर पिक्चर और चेंज पिक्चर, ये जो है कंपेयर कर सकते हैं पिक्चर को दूसरी पिक्चर से। चेंज पिक्चर पे आप कोई अदर पिक्चर लेके आ सकते हैं इस पिक्चर की जगह पे, आप क्लिक कर दीजिए पिक्चर पे, चेंज पिक्चर कर लीजिए, कौन सी पिक्चर आपको लेके आनी है उस पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट बटन दबाइए, आपकी जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो जाएगी दूसरी। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर की स्टाइलें हैं, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। ये पिक्चर की जो बहुत सारी स्टाइलें हैं, आप किस स्टाइल में पिक्चर आप लेना चाहते हैं ये वैसे ही स्टाइल में आपकी पिक्चर आ जाएगी। ऐसे ये देखिए ये सभी आपकी पिक्चर की स्टाइलें हैं, यानी आप कोई भी स्टाइल इसके अंदर ले सकते हैं। हमने वापस नॉर्मल ले ली। उसके बाद पिक्चर शेप, ये जो हमारी पिक्चर है इसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप पिक्चर शेप पे जाइए, ये जो है शेप की आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें से आप किसी भी पिक्चर कोई शेप ले लीजिए, उसी शेप में हमारी पिक्चर आ जाएगी। देखिए ये है पिक्चर शेप। अगला है पिक्चर शेप बॉर्डर, आपको कैसा बॉर्डर लेके आना। जैसे मैंने वापस नॉर्मल ले ली, अब इसका जो बॉर्डर है वो लेके आना है पिक्चर बॉर्डर, आप ले लीजिए। पिक्चर बॉर्डर की मोटाई ले लीजिए, कितनी विड्थ लेनी है, कलर भी ले सकते हैं आप इसका। ये जो है पिक्चर का देखिए बॉर्डर आ चुका है बाहर का रेड। अगला है पिक्चर इफेक्ट, आप पिक्चर पर इफेक्ट डाल सकते हैं, ये सारे इफेक्ट हैं। देखिए आप जैसे भी आप चाहेंगे पिक्चर वैसे स्टाइल में आपको दिखाई देगी। ये देखिए ये सभी जो स्टाइलें हैं ये पिक्चर की स्टाइलें हैं। अगला टॉपिक है पोजीशन। पिक्चर हमें पेज के किस साइड चाहिए, पिक्चर जो हमें पेज के लेफ्ट साइड चाहिए, सेंटर में चाहिए, आप सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप राइट पे क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर राइट साइड आ जाएगी। ये सभी जो पोजीशन है पिक्चर की पोजीशन है, पिक्चर आपको सेंटर के लेफ्ट में चाहिए, सेंटर के सेंटर में, या सेंटर के राइट साइड। तो ये है आपका पिक्चर का टॉपिक। अगला जो टॉपिक है आपका ड्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, ये क्या है। हमने कोई दो से पिक्चर ले ली, एक पिक्चर है ये हमारे पास, इंसर्ट में हमने एक पिक्चर और ले ली, पिक्चर पे गए, यानी कोई दूसरी पिक्चर ले लीजिए आप, उसका साइज छोटा कर लीजिए बिल्कुल सेम दूसरी पिक्चर की तरह। अब ये देखिए हमने दो दो पिक्चर ली हैं, एक पिक्चर हमारी दूसरी शो हो रही है, पिक्चर ले लीजिए। जैसे हम पिक्चर लेते हैं यहाँ से हम अलग अलग फोटो ले सकते हैं पिक्चर। कई बार क्या होता है दो पिक्चर लेने से हमारी जो है शो नहीं होती, लेकिन अब देखिए आपकी पिक्चर जो दोनों शो हो चुकी है।
अब हम चाहते हैं ये जो हमारी एक पिक्चर है ये दूसरी पिक्चर के ऊपर आ जाए। आप इसको उठा के इसके ऊपर रखने के लिए आप क्या करें, टेक्स्ट रैपिंग पे जाएं, पहले टाइट कर दें आप पिक्चर को। टाइट करने के बाद ये जो आपकी पिक्चर है ये दूसरी पिक्चर के ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, अब हम जब जैसे ही टॉपिक करेंगे सेंड टू बैक सेंड टू फ्रंट, ये आपको ऊपर नीचे आपको दिखाई देगी पिक्चर। अभी आपको सेट में ये हम ऑप्शन समझाएंगे। तो ये है आपका पिक्चर का। अगला है अभी टेक्स्ट रैपिंग में क्या है, स्क्वायर बिहाइंड टेक्स्ट, मैटर के ऊपर पिक्चर शो करने के लिए, मैटर के पीछे पिक्चर शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने पिक्चर ले ली, आप कोई मैटर लिख लीजिए, टाइट कीजिए पहले पिक्चर को आप, फिर मैटर लिख दीजिए। यहाँ मैंने यहाँ कोई मैटर टाइप कर दिया इक्वल लगा के आर ए एन डी ब्रैकेट। अब मैं चाहता हूं ये जो मेरा मैटर है ये इस फोटो पिक्चर के ऊपर शो हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करें, फॉर्मेट में जाएं, टेक्स्ट रैपिंग पे जाएं, बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिए। आपकी देखिए पिक्चर के ऊपर मैटर शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैटर नीचे आ जाए, फोटो ऊपर आ जाए, तो आप इसी ऑप्शन के अंदर आप यहाँ क्लिक कर दीजिए इन फ्रंट टेक्स्ट, फोटो ऊपर होगी, मैटर आपका नीचे शो होगा। आप स्क्वायर करेंगे तो आपको चारों साइड मैटर शो हो जाएगा। ये है आपका और भी टॉपिक है इसके अंदर, इन लाइन विद टेक्स्ट आप ऐसे भी शो कर सकते हैं पिक्चर के साथ। ये देखिए हमने वापस नॉर्मल कर दिया। अगला टॉपिक है इसी के अंदर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट वही ऑप्शन, पिक्चर आपको सेंटर में चाहिए, राइट साइड चाहिए, आप क्लिक कर दीजिए उसी साइड आपको पिक्चर आ जाएगी। लेफ्ट साइड सेंटर में चाहते हैं सेंटर में, लेफ्ट पर क्लिक कर दीजिए लेफ्ट में आ जाएगी। ये ऑप्शन अलाइनमेंट के हैं। अगला है ग्रुप। जैसे हम चाहते हैं कि दो या दो से अधिक पिक्चरों का हमें ग्रुप बनाना है, एक पिक्चर हमारे पास पहले है, एक और आप ले लीजिए। जैसे हमने इंसर्ट में से दोबारा ले ली पिक्चर, यानी कोई भी पिक्चर ले लीजिए, उसका साइज छोटा कर दीजिए या फिर इसको आप कट कर दीजिए, यानी कोई दूसरी पिक्चर ले लीजिए। ये दोनों हम सेम पिक्चर ले रहे थे, आप दूसरी पिक्चर यहाँ से ले लीजिए, इंसर्ट कीजिए, इसका जो साइज है वो छोटा कर लीजिए। अब हम चाहते हैं जो हमारे पास दो पिक्चर हैं इनका दोनों का ग्रुप बन जाए, ये इकट्ठे उठे, इकट्ठा साइज डिलीट हो, तो इसके लिए क्या करें, आप कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल के साथ दूसरी पिक्चर भी आप सेलेक्ट कर लें माउस के द्वारा, ऐसे आप सेलेक्ट करें। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर ली है, आप ग्रुप पे जाएं, फॉर्मेट ऑप्शन पे ग्रुप, ग्रुप जो है आपका हाईलाइट शो नहीं हो रहा है। ये कैसे है, ये आप जब दो शेप लेंगे तब आपका ग्रुप जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। एक बार हम ऐसे भी कर सकते हैं दोनों सेलेक्ट करने के बाद। रोटेट है अगला टॉपिक इसी के अंदर। रोटेट में क्या होगा, हम किसी भी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से इस ग्रीन ऑप्शन को पकड़ें, माउस के द्वारा आप रोटेट कर सकते हैं। इसी के अंदर अगला टॉपिक है रोटेट, आप इससे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आप रोटेट हो रही है आपकी पिक्चर, ये जो है रोटेट का टॉपिक है आपका। वापिस हमने नॉर्मल कर दिया पिक्चर को रोटेट। अगला टॉपिक है आपका इसी के अंदर क्रॉप, आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे हमारी ये पिक्चर है, आप क्रॉप पे जाएं, ऐसे आप पिक्चर को क्रॉप कर दीजिए, काट भी सकते हैं कितना आप काटना चाहते हैं, आपकी पिक्चर जो है वो क्रॉप हो जाएगी। ये देखिए तो ये आपका क्रॉप ऑप्शन, अंडू कर दिया, वापस हमने शो कर दिया अपनी पूरी पिक्चर। अब हम चाहते हैं हमने जो भी पिक्चर सेलेक्ट की है उसकी हाइट विड्थ कम ज़्यादा करनी है, तो यहाँ ऑप्शन है हाइट का, आपकी जो पिक्चर की हाइट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये देखिए विड्थ बढ़ानी है तो आप विड्थ पे क्लिक कर दीजिए, आपकी जो पिक्चर की विड्थ यहाँ आपको दिखाई देती रहेगी। इस पर जो भी पिक्चर हमने सेलेक्ट की है, ये देखिए आपकी पिक्चर की जो हाइट और विड्थ बढ़ रही है, तो ये है आपका पिक्चर का ऑप्शन। ऐसे ही आपका टॉपिक अगला जो है इंसर्ट में क्लिपार्ट, हमने नया पेज ले लिया कंट्रोल एन दबा के, ऐसे ही हम क्लिपार्ट शो कर सकते हैं पिक्चर का। आप क्लिक कर दीजिए क्लिपार्ट पे, जैसे आप क्लिपार्ट पे क्लिक करेंगे आपको राइट साइड एक ऑफिस बटन शो हो जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स भी हम इसको बोलते हैं। या तो आप पिक्चर का नाम, अगर क्लिप आर्ट का आप नाम डाल जानते हैं तो आप यहाँ से डाल दीजिए, सर्च कर लीजिए, या नहीं तो फिर आप ऑर्गेनाइज क्लिप पे क्लिक कर दीजिए,
ऑर्गेनाइज क्लिप पे क्लिक करने के बाद आप ऑफिस कलेक्शन पे आएं। जैसे आप ऑफिस कलेक्शन पे आएंगे, हर टॉपिक की अलग अलग क्लिप आर्ट होंगी, जैसे एनिमल की क्लिप आर्ट, एग्रीकल्चर की क्लिप आर्ट, बिल्डिंग की क्लिप आर्ट, बिजनेस की क्लिप आर्ट, जो आपको लेके आनी है आप उस पर कॉपी कर लीजिए। उस पर कर्सर रख के माउस का राइट बटन दबाएं, लेफ्ट से कॉपी कर लें और फिर आप यहाँ पेस्ट कर दें पेज पे। ये देखिए आप, ये जो है क्लिप आर्ट है। वही तरीका, कई बार ऑप्शन आता है क्या हम इसका फेस चेंज कर सकते हैं। फेस जो अभी फिलहाल इसका लेफ्ट साइड है, तो ये आपको बाहर डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, आप इधर से राइट साइड ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए इंसर्ट कर दीजिए, ये जो है आपका क्लिप आर्ट राइट साइड आपका शो हो चुका है। उसी के अंदर जो फंक्शन है वो जो सभी सेम है आपके, वही ब्राइटनेस, पिक्चर का ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हैं, कितना परसेंट आपको डालना है, वही पिक्चर की आप डिजाइन स्टाइल ले सकते हैं, कंपेयर पिक्चर कर सकते हैं। अदर ये सारे जो हैं सभी फंक्शन सेम है, लेकिन एक फंक्शन इसमें अलग है, वो जो है हमने जैसे दो क्लिप आर्ट ले लिए हमारे पास है, एक और ले ली, ऑर्गेनाइज क्लिप पे आप जाएं, एक और ले लीजिए दूसरी क्लिप आर्ट, हमने यहाँ से दूसरी क्लिप आर्ट ले ली है, यानी कोई भी बिल्डिंग ले ली, कॉपी कर लीजिए, मिनिमाइज करके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। आप कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल दबाने के बाद ऐसे ही हम इसका भी जो है चेंज कर सकते हैं। ये देखिए फॉर्मेट में ऑप्शन है, हाइट वेट रोटेट करना 90 डिग्री माइनस, ये हमने अभी ये पीछे वाली टॉपिक में आपको कराया है, तो ये सेम टॉपिक है आपकी जो आप कर सकते हैं। तो ये है आपका पिक्चर टॉपिक, क्लिप आर्ट टॉपिक, हमने कट कर दी फोटो दोनों। अगला जो टॉपिक है आपका इंसर्ट में शेप, हम कोई भी शेप आकृति बना सकते हैं, आप शेप ले लीजिए कोई भी, ऐसे बना के आप इंसर्ट कर दीजिए। जैसे आप शेप इंसर्ट करेंगे आपका मेन्यू बार में फॉर्मेट ऑप्शन शो हो जाएगा कि आप इसका डिजाइन कैसा लेना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसा लेना चाहते हैं। आप यहाँ से भी ले सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड जैसा आपका मन करे, शेप फील पे चले जाइए, आप इसके बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं शेप के अंदर, हम यानी कोई भी। आप इसके अंदर मैटर लिखना चाहते हैं तो माउस का राइट बटन दबाएं और एड टेक्स्ट कर दें, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ रेड क्रॉस या फिर RCIT हरियाणा। ये देखिए हमने मैटर टाइप कर दिया है, आप क्लिक कीजिए इस पर RCIT हरियाणा, तो ये है आपका शेप। आप फॉर्मेट पे जाइए दोबारा, शेप आउटलाइन, जो इसकी आउटलाइन है बाहर का वो कैसा कलर आ जाए, कैसा डिजाइन आ जाए, वो आप डिजाइन ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया। इसकी मोटाई भी ले सकते हैं आउटलाइन की, आप यहाँ से आप मोटाई ले लीजिए, लाइन की विड्थ ले लीजिए। ये देखिए आपकी ग्रीन आउटलाइन शो हो चुकी है। चेंज शेप, आप इसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वही शेप आपकी शो हो जाएगी। ये देखिए अगला है इसी के अंदर शैडो इफेक्ट, आप इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं परछाई का। ये देखिए सभी जो शैडो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, स्क्रीन पे दिखाई देने के बाद आप देखिए अब हम चाहते हैं ये जो शैडो है इसकी थोड़ी हमें लेफ्ट राइट साइड शैडो इंक्रीज करनी है, तो आप देखिए ये ऑप्शन आया हुआ शैडो अप, आपकी शैडो की परछाई जो ऊपर की साइड जाएगी, डाउन आप करेंगे तो आपकी परछाई की साइड नीचे की साइड जाएगी, लेफ्ट साइड राइट साइड करेंगे तो आपकी परछाई राइट साइड स्पेस में दिखाई देगी, लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं आप। एक बार पूछते हैं क्या परछाई के अंदर हम कलर डाल सकते हैं, हाँ हम परछाई में कलर डाल सकते हैं, तो आप शैडो कलर पे जाएं, आप यहाँ से नीचे नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप यहाँ कोई भी कलर डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमें शैडो का कलर जो हमने डाल दिया है, अगर आप चाहते हैं कि ये शैडो हमारी हट जाए तो आप इसी पे चले जाएं, नो शैडो आप कर दीजिए, आपकी शैडो का कलर हट चुका है। अगला जो ऑप्शन है आपका ये है 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट में क्या है, ये स्टाइल है शेप की, हम ऐसे शेप में स्टाइल दे सकते हैं आपकी, यानी कोई भी आप स्टाइल ले लीजिए जैसा आपका मन करे, हमने ये ले लिया, यानी कोई भी टॉपिक ले लीजिए आप। अब हम चाहते हैं ये जो है हमारी शेप है लेफ्ट राइट साइड घूम जाए, एक तो ऊपर से तरीका बताया था, ये तो रोटेट करने का है, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, लिखा हुआ रहा है अप, आप जैसे ही अप पे क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर लेफ्ट आपकी साइड घूमेगी, लेकिन हमें राइट घुमाने तो राइट पे क्लिक करते जाए, देखिए देखिए राइट साइड आपकी पिक्चर अब वापिस लेफ्ट में घूम कर सकते हैं आप, क्लिक करते जाए आप बार बार, बॉटम की साइड आप कर सकते हैं, टॉप की साइड आप कर सकते हैं शेप को। तो ये है आपकी शेप,
ऐसे आप इसके अंदर डिजाइन डाल सकते हैं और भी कलर डाल सकते हैं। यहाँ 3D में जाके आप 3D कलर ले लीजिए, ये जो है इसका कलर जो है वो आ जाएगा। आप और भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर कोई भी डिजाइन। तो ये है आपका 3D स्टाइल, आप इसको नो कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। अगला जो पोजिशन है ये वही पोजिशन है, पिक्चर आपको जो शेप है आपको पेज के लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट साइड चाहिए, ये वो सभी ऑप्शन है जो हमने आपको पीछे टॉपिक में कराए। अगला टॉपिक है इसी के अंदर वही सेंड टू बैक, सेंड टू फॉरवर्ड। ये जो पिक्चर में आपको ये दोनों ऑप्शन आपके हाईलाइट नहीं हुए थे, ये दोनों ऑप्शन आपके आप हाईलाइट हो जाएंगे, इसलिए हमने एक शेप तो ले रखी है, एक शेप आप और ले लीजिए। जैसे हम इंसर्ट में गए, एक शेप और हमने इंसर्ट कर दी है, अप्लाई कर दी है, यहाँ पे पेज पे बना दी है, आप इस पर कोई भी कलर डाल दीजिए, एनी कोई भी। अब हम चाहते हैं जो ये शेप है पीछे वाली शेप ऊपर आ जाए, ऊपर वाली शेप नीचे चली जाए, तो ये आप कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ये देखिए एक बार आप ये फोटो पर आएगी, एक बार वो जो हमारी सिलेक्ट है, एक बार फ्रंट एक बार बैक में जाएगी। तो ये है आपका टॉपिक, ऐसे ही टॉपिक था हमारा ग्रुप बनाने के लिए। ग्रुप कमांड जो है पिक्चर में हमारी हाईलाइट नहीं हो रही थी, क्योंकि हम शेप में ग्रुप बना सकते हैं। आप कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल दबाने के बाद आप दूसरी शेप सेलेक्ट कर दीजिए, देखिए दोनों शेप सेलेक्ट हो चुकी है। ऐसे आप कितनी भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में आ जाएं और फिर आप यहां से ग्रुप बना दें, ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के बाद ये शेप इकट्ठी उठेंगी, इकट्ठा साइज कम होगा, इकट्ठी डिलीट हो जाएंगी, इकट्ठा साइज बढ़ेगा, तो ये है आपका ग्रुप। अगर आप इसको ग्रुप को रिमूव करना चाहते हैं तो आप दोबारा फॉर्मेट में जाएं, अनग्रुप कर दें, आपका जो ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, अनग्रुप हो जाएगा। ये देखिए अब हम अलग अलग शो कर सकते हैं। ये जो है मैंने पहले बताया था आपको, रोटेट 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, प्लस, आप रोटेट कर सकते हैं ऐसे शेप को। वही तरीका इसके अंदर है, शेप की आपको हाइट बढ़ानी है तो आप इस पर क्लिक करते जाएं, आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे आपकी शेप की हाइट कम होती जाएगी। ऐसे ही हम विड्थ बढ़ा सकते हैं शेप की, कम कर सकते हैं यहाँ से। तो ये था आपका शेप का टॉपिक। अगला जो टॉपिक है उसके लिए हमने नया पेज ले लिया, कंट्रोल एन दबा दिया, न्यू पेज शो कर दिया। अगला टॉपिक है आपका स्मार्ट आर्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट या सेलेक्ट वैल्यू के का ग्राफ बनाने के लिए, सेलेक्ट रिपोर्ट का ग्राफ बनाने के लिए स्मार्ट आर्ट का यूज किया जाता है। जो स्मार्ट आर्ट है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, आप क्लिक कर दीजिए। नॉर्मल ये 5 टाइप्स होते हैं, ये देखिए पिरामिड डायग्राम, साइकिल डायग्राम, इसके अंदर और भी बहुत सारे डायग्राम हैं। अब ये देखिए ऊपर जाइए आप, रेडियल डायग्राम है, पिरामिड डायग्राम है, हमने ये जो बेसिक रेडियल डायग्राम ले लिया। ये क्या है, ये ग्राफ के लिए यूज होता है। जैसे हमारी ये इंडिया के स्टेट पार्टीशन बनाने हैं हमें, या कोई और अदर आपको ग्राफ बनाना है, जैसे ये कंपनी की ये ब्रांच शाखाएं ऐसे बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ जा डाल दिया जैसे इंडिया, उसके बाद इंडिया के स्टेट डाल दीजिए आप हरियाणा, हमने यहाँ डाल दिया है यूपी, एमपी, एचपी, हिमाचल प्रदेश, आप और भी ले सकते हैं। इसके अंदर एड शेप पे क्लिक कर दे जाएं, फॉर्मेट डिजाइन ऑप्शन पे जाने के बाद एड शेप, आपकी शेप और एड होती जाएंगी, इस पर क्लिक करते जाएं, ये ग्राफ आपका इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, सभी डिजाइन आप इसके अंदर दे रखे हैं, सभी जो है डायग्राम शो हो रहे हैं आपकी। ये देखिए, ये आप कोई भी डायग्राम अलग अलग टाइप से आप बना सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो जो हमने ये डायग्राम ले लिया, इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज हो जाएगा आपका, ये जो है डायग्राम है। ये डायग्राम का टॉपिक था आपका जो हमने आपको अभी कराया। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका हाइपरलिंक, हमने नया पेज ले लिया। हाइपरलिंक जो है एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ लिंक शो करने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। कैसे, पहले आप फाइल सेव कर लें, मैटर लिखिए कुछ भी, हमने यहाँ मैटर लिख दिया RCIT हरियाणा, सेलेक्ट कर लिया, हाइपरलिंक पे चले गए, किस फाइल के साथ लिंक करना है वो आप फाइल खोल लीजिए, आप यहाँ लिंक कर लीजिए उस फाइल का। जैसे हमें वर्ड की जो हरीश कुमार की फाइल के साथ लिंक करना है, आप इस पर सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे, इस मैटर का कलर अदर कलर में शो हो जाएगा, ये दिखाएगा हमने किस फाइल के साथ लिंक किया है, उस फाइल की पूरी लोकेशन शो कर रहे हैं जिसके साथ हम हाइपरलिंक कर रहे हैं। वो फाइल सी ड्राइव के अंदर कंप्यूटर में यूजर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर RST नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट में हरीश नाम का डॉक्यूमेंट है। लिंक करने के लिए आप कंट्रोल के साथ क्लिक करें, आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए, आपका जो है वो फाइल शो हो जाएगी जिसके साथ हमने लिंक शो किया है। यस क्लिक कर दीजिए, ये देखिए ये हमारी हरीश कुमार की फाइल थी, ये ओपन हो चुकी है। तो ये था हमारा हाइपरलिंक टॉपिक।
अगला टॉपिक है इसी के अंदर हमारा बुकमार्क, किसी भी डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ पर बुकमार्क अप्लाई करने के लिए और शो करने के लिए बुकमार्क का यूज किया जाता है। कैसे, हमने यहाँ मैटर लिख लिया, पैराग्राफ अप्लाई कर दिया, अब हम चाहते हैं कि हमारे इस बुक पे पैराग्राफ पे मार्क लग जाए, तो हम कहीं पे भी कर्सर रख लें, जैसे मैंने कर्सर रख दिया यहाँ पे टेक्स्ट के पास। अब हम बुकमार्क में चले गए, आप बुकमार्क में जाके नाम दे दीजिए, जैसे आप नाम देंगे बुकमार्क का आप नाम डाल दीजिए, मैंने यहाँ नाम डाल दिया आशीष, सेव ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप कर्सर कहीं पे रख लीजिए। अब हम चाहते हैं जहाँ पर हमने बुकमार्क अप्लाई किया था मेरा कर्सर वापस उसी जगह पे शो हो जाए, तो आप दोबारा बुकमार्क पे जाएं और हटाने के लिए आप डिलीट कर सकते हैं, गो टू कर दीजिए, आपका कर्सर जो सीधा जहाँ पर भी हमने आशीष बुकमार्क दिया था वहाँ हमारा कर्सर पहुँच जाएगा। आप क्लिक कर दीजिए, ये देखिए ये है हमारा बुकमार्क। अगला जो टॉपिक है ये है हमारा क्रॉस रेफरेंस, ये हम आपको आगे जो टॉपिक आएगा रेफरेंस में हम आपको यहाँ कराएंगे, ये क्रॉस रेफरेंस बड़ा टॉपिक है, हमको वहीं पे आपको कराएंगे पूरा। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका हेडर, किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज के ऊपर हेडिंग देने के लिए हेडर का यूज किया जाता है, किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज के नीचे हेडिंग देने के लिए फुटर का यूज किया जाता है। आप कैसे, आप हेडिंग दे दीजिए, हेडर पे जाइए, ये हेडर की स्टाइलें हैं अलग अलग, आप कोई भी हेडर ले लीजिए यहाँ से एनी स्टाइल, तो ये आपका हेडर आ जाएगा। ये जो हेडर है आपको हर पेज पे आपको शो हो जाएगा, ये देखिए मैंने हेडर डाल दिया है। आप जब भी कोई अलग पेज लेंगे ये जो हेडिंग है हेडर है आपका प्रत्येक पेज पे शो होगा। ये देखिए मैंने कंट्रोल के साथ एंटर कर दिया, पेज ब्रेक लगा दिया, देखिए ये आपका हेडर हर पेज पे शो रहा है। ऐसे ही आपका फुटर शो हो सकता है, आप इंसर्ट में जाएं, फुटर पे क्लिक कर दें, यानी कोई भी फुटर अप्लाई कर लें जब आप चाहते हैं। ये देखिए जो अभी आप फुटर लेंगे ये भी आपकी हर पेज पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया कुछ भी, वेलकम टू RCIT हरियाणा। ये देखिए आप जैसे ही देखेंगे आपका ये सभी पेजों पे आपका जो है ये फुटर आपको शो हो जाएगा। ये देखिए वेलकम टू RCIT हरियाणा, अगले पेज पे भी आपका है ये है फुटर। आप यहाँ से डेट टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको हम आगे कराएंगे। हमने क्लोज कर दिया हेडर फुटर, हेडर फुटर को आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, ये जो एडिट हेडर भी है, रिमूव हेडर भी है, आप रिमूव भी कर सकते हैं, फुटर को भी आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसी के अंदर हमारा अगला टॉपिक पेज नंबर, किसी भी डॉक्यूमेंट पर पेज नंबर अप्लाई करने के लिए या पेज पर नंबर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये हमारा पेज का नंबर अप्लाई करना है तो आप पेज नंबर पे चले जाइए, यहाँ सभी पोजीशन है, पेज की टेप टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन, मार्जिन पोजीशन, करंट पोजीशन, आप कोई भी पोजीशन ले लीजिए पेज के टॉप में। ये जो है इसमें जो लिखा हुआ है फॉर्मेट पेज नंबर, ये पेज नंबर की स्टाइल है, यहाँ पे एक नंबर, दो नंबर, माइनस में, ABCD में, रोमन में, तो ये है आपका पेज का नंबर, आप कोई भी ले लीजिए। मैंने यहाँ से एक दो नंबर सेलेक्ट कर लिया, आप ओके कर दीजिए। उसके बाद आप इंसर्ट में जाएं, पेज इसी पे दो है, पेज नंबर पे जाएं, पेज नंबर पे आप टॉप पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका पेज नंबर दो शो हो चुका है, ऊपर आप देखेंगे तो आपका पेज नंबर एक शो हो चुका है, तो ये है आपका पेज नंबर टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए, ड्रा करने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाएं। ये जो स्टाइलें हैं ये टेक्स्ट बॉक्स की स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स की ले सकते हैं, या फिर आप ड्रा भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऐसे आप ड्रा कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इस पर आप कुछ भी मैटर लिख सकते हैं। ये देखिए फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं इस मैटर का, तो ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। अगला टॉपिक है आपका इसी के अंदर क्विक पार्ट के अंदर, क्विक पार्ट में जो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हमने आपको पहले कराई, किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। अगला है फील्ड, कोई भी फील्ड यूज करने के लिए फील्ड कमांड का यूज किया जाता है, इसके द्वारा हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फील्ड पे जाएं, पहले कर्सर नीचे रख लें, आप फील्ड पे जाएं, अब फील्ड पे आप क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद ये देखिए सभी फील्ड है आपकी, डेट की फील्ड, टाइम की फील्ड, अपर केस लोअर केस की फील्ड, ये जो है सभी फील्ड है ये हम आपको करवा चुके हैं। आप फॉर्मूला पे आ जाइए, फॉर्मूला पे आप डायरेक्ट यहाँ कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ जो फॉर्मूले आपको शो कर रहे हैं ये हम आपको एक्सेल में कराएंगे। आप डायरेक्ट वैल्यू डाल लीजिए, जैसे कोई भी सम करना है 12 प्लस 90 प्लस 80, ओके कर दीजिए, आपका टोटल आ जाएगा, ऐसे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका वर्ड आर्ट, वर्ड माने शब्द, आर्ट माने कला, शब्दों की कला जो है आपकी शो हो जाएगी। मैंने इस पेज को मैटर जो है ये डिलीट कर दिया, अब हम वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं,
ये वर्ड की कलाएं हैं सारी, आप कोई भी डिजाइन ले लीजिए, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया RCIT हरियाणा, आप वर्ड चाहे स्मॉल लेटर में लिखिए चाहे आप कैपिटल में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके कर दीजिए। अब हम चाहते हैं इसका साइज बड़ा करना है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका साइज बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप उस पर मैटर को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर ऊपर आपको फॉर्मेट ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। एडिट टेक्स्ट आप चेंजिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट में स्पेसिंग कर सकते हैं कैरेक्टरों में, जैसे टाइट अक्षर और टाइट हो जाएंगे, वेरी टाइट और भी टाइट हो जाएंगे, ऐसे ही लूज वेरी लूज हो जाएंगे। ये जो है आपका ऐसे ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए। इवन हाइट का मतलब है जैसे सभी करेक्टरों की हाइट जो है, वर्ल्ड आर्ट के जो करेक्टर हैं इनकी सभी की हाइट बराबर हो जाएगी। जैसे टी की हाइट बड़ी है, सी की छोटी है, एच की बड़ी है, ए की छोटी है, तो आप इवन हाइट पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे इवन हाइट सबकी बराबर हो जाएगी। दोबारा आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों की सभी की नॉर्मल हाइट नॉर्मल हो जाएगी जैसी थी पहले। वर्टिकल टेक्स्ट में हमारा मैटर शो हो जाएगा ये वर्ल्ड आर्ट का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमारा वर्ल्ड आर्ट में शो हो चुका है। दोबारा क्लिक करेंगे नॉर्मल शो हो जाएगा। यही वो अलाइनमेंट है लेफ्ट राइट सेंटर जो हमने आपको पहले कराया पेज पे मैटर शो करने के लिए, लेफ्ट साइड राइट साइड। सभी जो डिजाइन है आप सेफ फिल पे ले सकते हैं, कलर कोई भी अदर कलर ले सकते हैं, पिक्चर भी ले सकते हैं, पिक्चर कलर भी ले सकते हैं इस मैटर के अंदर। आप क्लिक कर दीजिए, सभी डिजाइन है ये पिक्चर के अंदर आपको दिखाई देंगे। शेप का शेप के अंदर हमने पिक्चर ले ली इस वर्ड आर्ट के अंदर, ये पिक्चर जो हमारी बैकग्राउंड पे शो हो जाए, यानी कोई आप बैकग्राउंड दे लीजिए पिक्चर का, ये बैकग्राउंड जो है इस पे आपको पहले पार्ट में आपको वर्ड आर्ट में आपको शो हो जाएगा। ये देखिए ये है आपका शेप फिल। अगला है शेप आउटलाइन, आप कलर चेंज कर सकते हैं आउटलाइन का, इसकी मोटाई ले सकते हैं लाइनों की, कलर चेंज कर लीजिए आप। हमने जो कलर है वो रेड ले लिया, ये देखिए आ चुका है। अगला इसी के अंदर चेंज शेप, हम शेप चेंज कर सकते हैं अलग अलग, ये सभी डिजाइन जो हैं ये चेंज शेप की हैं आपकी, आप चेंज शेप कर दीजिए, आपकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। इसी डिजाइन में आप किसी भी डिजाइन में आप ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ से ये डिजाइन ले लिया, आप इसको फर्दर रखिए और ऐसे भी हम इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। ये सभी डिजाइन आपको शो कर रहे हैं, आप ऐसे क्लिक करके देख लीजिए। इसको अगले जो टॉपिक है ये सब आपकी सेम है जो हमने आपको पिक्चर में कराए, सेंड टू बैक इफेक्ट करना, 3D टेक्स्ट ऐसे घुमाना, ये जो सभी हैं टेक्स्ट रैपिंग, ये हमने भी आपको शेप में करा दिए हैं। पीछे जो भी टॉपिक था आपका, अगला टॉपिक है इसी के अंदर आपका ड्रॉप कैप। सेलेक्ट मैटर का पहला वर्ड ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। ड्रॉप कैप टू टाइप का होता है, एक ड्रॉपटेड एक इनमार्जन। आप देखिए जैसे मैंने पैराग्राफ ले लिया, यहाँ पे मैटर डाल दिया, मैटर डालने के बाद आप मैटर को सेलेक्ट कर लीजिए, पैराग्राफ को ड्रॉप कैप पे जाइए। ये टू टाइप का है, ड्रॉपटेड ऐसे स्टाइल में आएगा, इन मार्जिन ऐसे स्टाइल में आएगा। तो आप ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आ जाइए, नीचे नीचे क्लिक कर दीजिए ड्रॉप कैप पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन आया हुआ है ड्रॉपटेड, एक आया हुआ है इन मार्जिन। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कितनी लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं मिनिमम, हम जो मिनिमम है 10 लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं, थोड़ी मैक्सिमम 10 लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं, मिनिमम एक लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं या दो भी कर सकते हैं, नॉर्मल हम 3 लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए 3, मिनिमम 2, एक लाइन तो फिर बराबर पैराग्राफ के बराबर ही शो हो जाएगा, तो हमने 3 लाइनें ड्रॉप कर ली देखिए, या फिर आप 4 भी कर लीजिए, हमने 5-6 लाइनें ड्रॉप कर दी। जो हमारा पहला करेक्टर है वो 6 लाइनों को ड्रॉप करता हुआ शो हो जाएगा। ये है आपका ड्रॉप कैप का ऑप्शन। सिग्नेचर लाइन आपको करना नहीं है। डेट एंड टाइम, किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज पर डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए डेट एंड टाइम का यूज किया जाता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, डेट एंड टाइम आपका ऑप्शन फ्री हो जाएगा। आपको डेट एंड टाइम लेनी है या फिर विद डे लेना है आपको, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए शो हो चुका है। ऐसे ही हम शॉर्टकट तरीका भी यूज कर सकते हैं, आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी दबाएं, डेट आ जाएगी आपकी यहाँ, सॉरी ओल्ड शिफ्ट के साथ डी दबाएं, डेट शो हो जाएगी, ओल्ड शिफ्ट के साथ टी दबाएं आपका टाइम शो हो जाएगा। तो ये है आपका टाइम का ऑप्शन, तो ये हमने आपको कराया। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर दो फंक्शन शो हो रहे हैं, हम कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके अंदर खोल सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट पे चले जाएं, यहाँ से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे हमें एक्सेल की फाइल खोलनी है, आप एक्सेल की फाइल यहाँ से खोल लीजिए,
ओके कर दीजिए, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमारी एक्सेल की फाइल ओपन हो चुकी है। ऐसे ही आप नया पेज लीजिए कंट्रोल एन दबा के। अब आप इंसर्ट में जाइए, ऐसे ही हम ऊपर दिखाई दे रहे आपको, क्लिक कीजिए टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। एक फाइल पर किसी दूसरी फाइल का मैटर हम शो कर सकते हैं, तो आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक कर दीजिए, जो आपका मैटर है वो दूसरी फाइल का मैटर इस फाइल पे शो हो जाएगा। यानी किसी फाइल का मैटर आप ले लीजिए, जैसे हम चाहते हैं हमारी जो फाइल है हरीश कुमार इसका मैटर आ जाए, आप इंसर्ट कर दीजिए, जो हरीश कुमार का जो मैटर है वो हमारी फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमने ये मैटर लिखा था, उससे पहले हमने ये मैटर लिखा था, तो ये हमारा हरीश कुमार की फाइल का मैटर इसमें शो हो चुका है। अगला टॉपिक है इसी के अंदर हमारा, ये जो है ये सिंबल का टॉपिक है। आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं इसके अंदर, जो सिंबल है वो कई एजुकेशन के सिंबल भी हैं, कई वैसे नॉर्मल सिंबल हैं। जैसे हमें मैथ का सिंबल लेना है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये मैथ के सिंबल हैं। ऐसे हम कोस थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सीधा, डायरेक्ट सूत्र चेंज कर सकते हैं, इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो ये है एक टॉपिक आपका सिंबल। अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर, ये भी सिंबल है, आप इस पे आ जाइए मोर सिंबल पे। हम कोई भी सिंबल ले सकते हैं, लेकिन कई सिंबल हमारे, जैसे एक आर का सिंबल है, सिंबल तो बहुत सारे हैं, हमने इंसर्ट कर दिया। सी का सिंबल क्या होता है ये हम आपको समझाएंगे, टीएम क्या होता है ये हम आपको समझाएंगे। हम ये तीनों पेज पे इंसर्ट कर दिए, साइज बड़ा कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, हमारा साइज बड़ा हो चुका है। ये देखिए ये जो आर है ये है रजिस्टर्ड का सिंबल, जो ये सी है कि हमारा कॉपीराइट का सिंबल, कि हम अदर मैटर की या फिर अदर जो हमारा माल है कोई सामान है उसकी हम कॉपी नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते, इसीलिए कॉपीराइट का सिंबल दिया जाता है। टीएम जो है हर कंपनी का, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सिंबल होता है, तो ये जो है ये टीएम ट्रेडमार्क का सिंबल है। तो ये है आपका टॉपिक आज तक का टॉपिक, आपको यहीं तक।